हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलिया आगा है और मैं योगा और वेलनेस कोच हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी बूट कैंप के बारे में। मुझसे बहुत सी क्लाइंट्स ने पूछा है बूट कैंप क्या होता है, क्या हम कर सकते हैं और इसके फ़ायदे हैं कि नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं बूट कैंप होता क्या है। जब आर्मी में आप देखते होंगे बहुत से लोग फिट होते हैं, तो बूट का लफ्ज़ तो आर्मी से आया है। तो जब फिट लोगों को बहुत कोई रिग्रेस मिशन के ऊपर जाना होता है, यानी बहुत कोई स्ट्रेनुअस किस्म की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, तो उनको वो एक बूट कैंप में डाल देते हैं जो हफ्ता भर या दो हफ्ते का होता है, और फिर वो अपनी असाइनमेंट या मिशन पर जा सकते हैं क्योंकि उनका फिटनेस लेवल ज़्यादा ऊँचा हो चुका होता है। जो हमारे यहाँ बूट कैंप है, ये बूट कैंप का लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा जिम्स में। ये एक तरीका है बिजनेस का, जिसमें आपको अट्रैक्ट किया जाता है कि 30 दिन में या 40 दिन में आप सुपर फिट हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप जाते हैं वहां पे, पहले दिन आपका फिटनेस लेवल जीरो होता है। आपके फिटनेस लेवल को लाने में एक हद तक महीना ही लग जाता है, ठीक है ना जी। आपका कुछ आपको लगेगा कि 2-3 kg मेरा वजन गिर गया, लेकिन चूंकि आपकी रूट कॉज जो असल वजह होती है वेट की, वो ट्रेनर्स को नहीं समझ में आती। आपको 50 या 100 लोगों के साथ एक साथ ही ट्रेनिंग कराई जा रही होती है, तो आपके असल जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं समझ जाते। हो सकता है आपका थायराइड का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको वेट चढ़ा है, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट चढ़ा है, या फिर आपको अभी रिसेंटली प्रेगनेंसी हुई हो। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं कि आपका वजन क्यों चढ़ा हुआ है और किस तरह से उतारना चाहिए। तो जिनके हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनको डिफरेंटली वैसे ट्रीट करना चाहिए, जो यंग हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं, जो आफ्टर 40 हैं उनको जाहिरी बात है क्योंकि उनके जोड़ हो गए, उनके घुटने हो गए, उन सब की प्रिवेंशन और उनकी प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। जो आपका वज़न गिरेगा वो वापस चढ़ के आ जाता है। वो आ क्यों जाता है, क्योंकि जो आपका वज़न 2-3 kg 30 दिन में गिरा होता है वो एक्चुअली बॉडी का पानी होता है, और मसल वो वाला मसल होता है जहाँ पे सबसे आसानी से मसल की डिप्लीशन हो, यानी बड़ी आसानी से मसल घुल जाता है। तो जहाँ वजन होगा वहाँ नहीं घुलेगा, जो मसल जहाँ फैट होगी फैट नहीं होगी वहाँ का मसल आपका डिप्लीट हो चुका होगा, इसलिए ये वज़न आपका वापस आ जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप कोशिश करें कि बूट कैंप्स में अगर आप जा रहे हैं तो स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए बूट कैंप हो। अगर आप 18 ईयर्स से उम्र में कम हैं तो बूट कैंप्स में ना जाइए, वहाँ वज़न यानी वेट्स उठाए जाते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं उठाने चाहिए। अगर आपको हार्ट या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो बूट कैंप में बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके पेस पे नहीं होंगी, तो आपको उसका भी बहुत ख्याल करना है। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि जल्दी वज़न उतारने की कोशिश ना हो, और आप आहिस्ता आहिस्ता से अपना वज़न उतारें और सही तरीके से उतारें। ओके, थैंक यू।